YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। दूसरी बात यह है कि हाथ में के जो मैंने स्केच बनाया है, इसमें मैंने आपको बहुत सी लकीरों के बारे में बताया और अभी मज़ीद आगे बहुत कुछ बताना है। तो हमारे अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि मेरे हाथ में दौलत की लकीर है या नहीं है, तो आज मैं दौलत की लकीर बनाऊंगा कि दौलत की लकीर कौन सी होती है और कहाँ पे होती है। उसके बाद फिर हम जो ना आने वाले वीडियो में फिर शोहरत की लकीर बनाएंगे, किस्मत की लकीर बनाएंगे, यानी मुख्तलिफ लकीरों बनाते। आप हमारी वीडियो को देखते रहें और आप इंशाल्लाह, मेरा ये वादा है कि आप हमारी वीडियो को इंशाल्लाह देखते रहें और लाइक करते रहें, इंशाल्लाह आप ख़ुद बहुत अच्छे पामिस्ट हो जाएंगे, आपको किसी पामिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दौलत की लकीर कहाँ पर होती है? यह है अतारत। ये छोटी उंगली जो है ना, इसको हम कहते हैं अतारत। ये अतारत वाली उंगली होती है और इसके नीचे अतारत का उभार होता है। इस जगह पे उभार होता है और यहाँ पर ही यानी ऐसी चंद लकीरें यानी सीधी सीधी जो होती हैं, इनको हम कहते हैं दौलत की लकीर। ये होती हैं दौलत की लकीरें, यानी ये छोटी उंगली के नीचे एक उभार होना चाहिए। उभार से मुराद ये कि जगह सूजी हुई, या जैसे कोई कीड़ा वीड़ा काट लेता है, कुछ कर लेता है, तो उस पर यानी वो जगह सूज जाती है, और उस पर अगर ऐसी लकीरें हैं तो आपके हाथ में दौलत की लकीर मौजूद है। और आप अपने हाथ में ख़ुद भी देख सकते हैं कि दौलत की लकीर कौन सी होती है और कैसे होती है। उसके बाद इसी लकीर में जाल सा बना हुआ होता है, और ये जाल सा अगर ऐसा आपके इस लकीरों में सीधी लकीरों को बजाय जाल सा बना हो, तो इसको हम कहते हैं डॉक्टरी की लकीर। डॉक्टरी की लकीर से मुराद नहीं कि हर डॉक्टर के हाथ में इस तरह की लकीर हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के हाथ में ऐसी लकीरें मौजूद होती हैं, जैसे वो चौकड़ी बनी हो, जैसे जाल बना हो, तो समझें कि वो बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो किसी को अगर पानी भी देगा कि पानी पी लो तो उस पानी में शफा होगी। जैसे आपने बहुत से हकीम देखे होंगे, बहुत से ऐसे कि उनके कोई आप जाते हैं तो आपको वो कोई चीज़ दे देते हैं तो आपको शफा हो जाती है, ठीक है ना। तो वो यानी कुदरती तौर पर शफा। मैंने एक जो गधा गाड़ी चलाते हैं, गधा गाड़ी चलाने वाले, उसके हाथ में डॉक्टरी की लकीर देखी, तो मैंने उस बंदे से दोस्ती कर ली। मैंने कहा कुछ टाइम मैं इसको देखता हूँ कि ये डॉक्टरी की लकीर का क्या मतलब है, ये तो गधा गाड़ी चला रहा है, ये डॉक्टर तो है नहीं। यकीन करें कि जब मैं उस बंदे के थोड़ा करीब गया तो मुझे ये पता चला कि कई लोगों को जो नहीं होता सर दर्द होता था, तो वो कह देता था यार फलाना काम कर लो। तो मुझे भी एक बार ऐसा हुआ, तो मैंने कहा सर में दर्द है, क्या कहते यार इस तरह करो कि खड़े होकर जो ना पानी जो ना आप पी लो। मिसाल के तौर पर उसने कह दिया जी पानी खड़े होकर पीना, तो मेरे सर में दर्द था। मैंने उसको कहा यार मेरे सर में दर्द है क्या करूं, तो कहने लगा जो तो आप पानी पियो खड़े होकर तीन घूंट के अंदर। मैंने कहा यार तीन घूंट के खड़े होकर पीना तो जायज़ नहीं, कहता आप पी के तो देखो। मैंने खड़े होकर पानी पिया, यकीन कीजिएगा कि मेरे सर से वो दर्द गायब हो गया। मुझे उस वक्त समझ आया कि डॉक्टरी की लकीर होती क्या चीज़ है। तो ऐसे ही जनी अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियतें होती हैं लोगों के अंदर, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें बख्शी होती हैं बहुत से लोगों को, और वो कोई भी ऐसा अमल कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं वो तुक्का मारते हैं, लेकिन उनका तुक्का जो होता है वो तीर से ज़्यादा तेज़ होता है। बोला तीर लगे या तुक्का, अब उनका वो तुक्का लग जाता है या तीर लग जाता है, लेकिन यकीन करें बिल्कुल करेक्ट लगता है। इसके साथ ही आप हमारा शो पामिस्ट्री विद अकबर सरदी देखते रहें और लाइक करते रहें और पसंद करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।